हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सो अभी ना पावर पॉइंट का एक बहुत यूनिक कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एनरोल कर चुके हैं और ऑलरेडी उसके बेनिफिट उठा रहे हैं। और यूनिक क्यों कह रहा हूँ, मतलब ये बाकी से भी पावर पॉइंट कोर्सेज से कैसे डिफरेंट है। पहली चीज, ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, मेरी तरफ से आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं CAPH होता, जो नहीं जानते आप उनके लिए। सो मतलब इस सर्टिफिकेट की वैल्यू अगेन बहुत होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पावर पॉइंट में ना मैं आपको बहुत सारी एडवांस फीचर सिखाऊंगा। इसके थ्रू आप जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है ना, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डिजाइनिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल होता है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूज होता है, डिजिटल मार्केटिंग में, वो कंटेंट सारा का सारा मैं आपको पावर पॉइंट से क्रिएट करना सिखा दूंगा। मतलब जितने आपने देखे होंगे ना, हमारे जितने भी एडवर्टाइजमेंट मटेरियल होते हैं या कोर्सेज के जो थंबनेल्स हैं या यूट्यूब के थंबनेल्स हैं, सब कुछ ऐसा पावर पॉइंट में बनाना सिखाऊंगा। और एक उसको बनाने में मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो उसमें 3D टेक्स्ट बनाना, उसको एनिमेशन में देना, वीडियो उसी से पावर पॉइंट से एनिमेटेड वीडियो, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं बट स्टिल बहुत अच्छे लेवल की उससे एनिमेटेड वीडियोस आप बना सकते हैं। और इसके थ्रू आप अर्न भी कर सकते हैं। कैसे अर्न कर सकते हैं पावर पॉइंट वाले कोर्स के थ्रू? आप ना जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप दो तरीके से अर्न कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप किसी के लिए पावर पॉइंट्स का जो स्लाइड्स होती है वो आप बना सकते हैं। इसके लिए ना जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, मतलब कंपनीज होती है, तो वहां पे भी प्रेजेंटेशंस उनको चाहिए होती है। जो एकेडमिक है, जो टीचर्स हैं, उनको भी प्रेजेंटेशंस चाहिए होती है क्लास में पढ़ाने के लिए। तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, आप वहां पे भी इसके लिए बात अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, जो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप उसका काम भी ले सकते हैं कि हम आपके ना एडवर्टाइजमेंट कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। और इसमें आज के टाइम में अर्निंग बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, और हर कोई आज के टाइम पे ऑनलाइन आ रहा है। सो वहां पे सभी को डिजिटल मार्केटिंग की इस कंटेंट की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में आप कर सकते हो। अपना तो खुद का जो भी आपका बिजनेस है, अगर आपने GST टैक्सेशन सर्टिफिकेट जो भी ये सब करे हैं, उसका प्रमोशन भी आप पावर पॉइंट के बाद बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इसके थ्रू ना एक साइड इनकम आपकी अच्छे से जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत कुछ समझेंगे, टेक्स्ट में 3D टेक्स्ट, गोल्डन इफेक्ट्स देना, उसमें बैकलाइट देना, शेडिंग्स देना, बहुत सारी चीजें, तो मजा आएगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इसी के साथ वेबसाइट का एक कोर्स भी रहता है हमारा, जो आपको पता होगा, विदाउट कोडिंग वो मतलब वेबसाइट डेवलप करना, कि एक वेबसाइट आप एक दिन में करने लग जाओगे, इतनी स्पीड डेवलप हो जाएगी उस कोर्स को करने के बाद। तो उसके बाद भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। तो जो हमारे थोड़ा टेक्निकल लाइन में भी जाना चाहते हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हैं टैक्सेशन वगैरह के, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट को कैटर करना है। अपने क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया से लेके आते हैं, जैसे मैं बाकी कोर्सेज में आपको बताता हूँ, तो वहां पे आपके पास कुछ डिजिटल मीडिया का कंटेंट होना चाहिए ना। सिंपल सा टाइप कर दोगे तो कोई नहीं पढ़ता, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो जब उस चीज के लिए आपको पावर पॉइंट आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो काम लोग बहुत मुश्किल से करते हैं ना, मतलब पता नहीं कितने कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर सीखते हैं, वो सब सीखने की जरूरत नहीं। सिंपल सा पावर पॉइंट में हम बहुत अच्छे से सीख सकेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करना भी उसमें 1 क्लिक में हो जाएगा, ठीक है, सब सीखेंगे।